ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादि पाशादिष्टार्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो संदर्भ है कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सा कृष्ण लिविंग द वर्ल्ड, ये आज का संदर्भ है। पहले कृष्ण का ही रंग आ गया, कृष्ण स्वधाम स्वधाम गमन। कृष्णा लिविंग द वर्ल्ड, लिविंग दिस वर्ल्ड। तो इस संदर्भ में जो है हम भागवत के 11वें स्कंद के 32वें अध्याय से देख रहे हैं। 31वें अध्याय से जो कि आखिरी अध्याय है, 11:31 श्रीमद् भागवतम। तो ये हम कल बता रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान के पैर पे तीर लग गया और तीर लगने के बाद जो है वो कैसे जो है अपने धाम में निकले। तो आप लोगों ने कैलकुलेशंस किए होंगे, है ना। और एक जो कैलकुलेशन आया है, मैं एग्जैक्ट आपको डाटा बताता हूँ वो कितना का कैलकुलेशन है। दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर आप में से किन्हीं का कैलकुलेशन रेडी होगा तो देखिएगा, वो करीब करीब निकला था 16,000 से ज़्यादा, 16,000 के आसपास आया था। is 2:1 तीर से जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इतना था, अगर तो कूदने से जो इम्पैक्ट पड़ा था इतना था, ये रेशियो था। इस रेशियो को अगर आप देखेंगे तो अगर इस रेशियो से कोई मर नहीं रहा है, इतना चोट लगने से, ये रेशियो में जो पैर का इम्पैक्ट है, पैर पे जो आघात है उसका रेशियो ऐसा था, इस रेशियो पे अगर कोई नहीं मरता है तो इस रेशियो पे कैसे मरेगा, इससे पे नहीं मरेगा, मरने का कोई चांस ही नहीं। तो जब वो पैर पे लग गया उसके बाद भी वो दारू का आता है, दारू का के बात करता है, बात करने के बाद उसके जो रथ है जिसपे कि गरुड़ का ध्वज है, वो जो रथ है उसके सामने देखते देखते जो है वैकुंठ को उड़ जाता है। और उसके साथ जितने भी उसमें हथियार थे, आयुध थे, वो भी उड़ जाते हैं। ये देख के दारू को बड़ा आश्चर्य होता है, कृष्ण के पास जाके अनुनय विनय करता है। कृष्ण कहते जाओ और जाके सबके बारे में बता दो कि सारे यदुवंश का नाश हो गया है, और उसका नाश बता के जो है सबको सांत्वना देना और अर्जुन के साथ जो है इंद्रप्रस्थ चले जाना। तो ये जब घटना घट जाती है तो इसके बाद जो है दारुक जो है वो जाता है वहाँ पे, और इधर
कृष्ण भगवान जो हैं दारू के निकलने के बाद वहाँ अकेले हैं और वहाँ पे सारे देवी देवता वहाँ पहुँच गए हैं, शिव और पार्वती वहाँ पहुँचे हुए, ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे हैं, सारे लोकपाल पहुँचे हुए हैं, सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद विद्याधर गंधर्व अप्सरा सब पहुँचने के बाद वहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भगवान की लीलाओं को गा रहे हैं, भगवान ने क्या क्या किया, बचपन में माखन चोरी किया और आगे बढ़े तो उन्होंने थोड़ा बड़ा हो गए तो उन्होंने आगे को लोग पांडवों के साथ द्रौपदी को बचाया, दुर्वासा के श्राप से बचाया, कुरु पांडव में युद्ध मचाया, लीलाओं को सुना रहे और प्रभु जो है अपने ही में ध्यान कर रहे हैं। इसको कहते हैं अहंग्रहोपासना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अहं ग्रहो पासना। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आजकल इसको प्रमोट कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने पे ध्यान करने, कृष्ण ने अब खुद पे ध्यान किया था तो इसलिए ये लोग भी खुद पे ध्यान करते हैं, खुद पे ध्यान करते हैं, उनका कोई विग्रह नहीं होता, जिसमें कि आर्य समाज मुख्य रूप से। और किसी ने सवाल किया था कि उनके बारे में बताएं, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो भगवान के विग्रह को नहीं मानते, इतना ही उनके बारे में फेमस है। तो मैंने उनको ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया है, कहीं भी वो आके ओपन डिबेट अगर करना चाहते हैं तो इस कौन से कोई भी चला जाएगा और आपको ये सिद्ध करके दिखा देगा कि आपके दिमाग में जो भरा हुआ है वो अतथ्य है, कुतथ्य है, दुस्तथ्य है, निराधार तथ्य है, है ना, निरस्त तथ्य है, तथ्यों का कोई बेसिस नहीं है, है ना। और इस अहंगोहर प्रोसना के ऊपर जो कहते हैं कि अपने आप पे ध्यान करना चाहिए, कृष्ण किस पे ध्यान करते हैं, कृष्ण तो खुद भगवान है इसलिए उन्होंने खुद पे ध्यान किया, लेकिन आप अगर खुद पे ध्यान करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। विग्रह उपासना कैसे होता है सो देखिए जरा, विग्रह की उपासना किसको कहते हैं, विग्रह भगवान के मंदिर में जो विग्रह होता है वो शास्त्रों के अनुसार उसका बनाया जाता है, वो ऐसे अपने मन से नहीं बना सकते, शास्त्र में उसका डायमेंशन है कि कमर कितना होना चाहिए और साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ से बेंड होना चाहिए, पूरा वो मापदंड उसमें लिखे हुए हैं, सारे मापदंड दिए हुए हैं, उस मापदंड के आधार पे उस रेशियो पे ही बनाना होता है। अगर कमर का रेशियो इतना है तो ऊंचाई का रेशियो इतना होना चाहिए, नरसिंह इतने बड़े हैं तो प्रहलाद इतने बड़े होने चाहिए, वो रेशियो होता है, उस शास्त्र के रेशियो से उसको बनाया जाता है। और बनाने के बाद जब आप किसी मूर्तिकार को जाके बनाने के लिए देंगे तो जो मूर्तिकार है वो पत्थर के एक्स्ट्रा चीज़ को हटा देता है, विग्रह को उभार के देता है, विग्रह उसी में है उसको बस उभार के देता है। अब वो जब शास्त्र से माप के बनाएगा उसके बाद उसको है, उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा, और ये भी शास्त्र में ही दिया हुआ है कि कैसे करना है, ये अपने मन से कोई नहीं कर सकता। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसमें प्रभु विराजमान है, यही प्रभु है, इसमें नहीं, यही प्रभु बन गए। आप बोलेंगे कैसे हो गए ये, ऐसा कैसे हो जाएगा, देखिए कैसा होता है। आपने 100 का नोट देखा है, नोट है क्या, नोट कोई भी नोट, चलिए ब्रह्मचारी आश्रम है इसलिए आपको यहाँ पर नोट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 100 के नोट को देखते हैं, है ना, क्योंकि ये लाइव क्लास है इसलिए हमने कुछ अरेंज नहीं किया है, ये स्पॉन्टेनियस मेरे मन में आया कि आपको एक नोट दिखाता हूँ, है ना। चलिए आप नोट देखिए और एक फेक नोट देखिए, करेंसी का एक फेक नोट, और दोनों को देखने के बाद हाँ आ गया, फॉर्चुनेटली वी हैव द नोट, नया वाला दीजिए, पुराना वाला का कुछ अब गारंटी नहीं,
समझ लीजिए कि ये नोट है ना, ये 100 का नोट आप देख रहे हैं। इसमें और इतने ही बड़े कागज में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है? इसमें भी मैं अगर ऐसा ही कुछ छाप दूं तो क्या 100 का नोट बन जाएगा? 100 का नोट बनेगा ये कागज? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टाम्प होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि मैं धारक को 100 रुपये बदलने आजाद करता हूँ गवर्नर, ठीक है। RBI गवर्नर का साइन होना चाहिए और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होना चाहिए। ये दो चीज़ होने के बाद ही ये नोट जो है ऑथराइज होगा, तब तक ये नोट ऑथराइज नहीं होगा। वैसे ही कोई भी मूर्ति जो है वो विग्रह नहीं हो सकती, लेकिन सारे विग्रह मूर्ति होंगे, रूप होगा। कोई भी मूर्ति जो है वो विग्रह नहीं हो सकती जब तक वो ऑथराइज नहीं किया जाए। ऑथराइजेशन का एक प्रोसेस है। और नोट एक दिख रहा है लेकिन वो नोट एक नहीं है, कागज में और नोट में कागज ही देख रहे हैं दोनों, लेकिन प्रोसेस है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का प्रोसेस है, जब इसको आधिकारिक रूप से उसको किया जाता है तो ही वो विग्रह बनता है, नहीं तो वो विग्रह नहीं कहलाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव है? एक सवाल उठ सकता है कि नोट तो ठीक है, हमने बना दिया, नोट को हमने एम्पावर कर दिया, नोट जब सरकार इसको ऐसा कर सकती है तो जो पूरे ब्रह्मांड की सरकार है उसको इस सरकार से तो बहुत ज़्यादा ताकत होना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा शक्ति है उस कृष्ण के बारे में एक चीज़ ये कहा जाता है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जो हम और आप कर सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं। अकर्तुम, जो हम और आप नहीं कर सकते, जैसे कि 1000 किलो का वजन उठाना, वो भी वो कर सकते हैं, गोवर्धन उठा सकते हैं। और अन्यथा करतुम मतलब जो आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं, जो कभी हम सोचेंगे भी नहीं। जैसे कि ये सारे आकाश में इतने सारे सूरज और चांद को ऐसा उड़ा देना, स्पीड से घुमा देना, है ना, ये हम नहीं कर सकते। अन्यथा कर तुम, ये कृष्ण का शक्ति है। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये जो विग्रह है, इस विग्रह पे, इस विग्रह को कृष्ण जो है कृष्ण नहीं बना सकते, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा, हो जाएगा ना गलत। अगर आप कहेंगे कि विग्रह को कृष्ण जो है आत्मरूप नहीं बना सकते, आत्मरूप नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं रहेंगे, इसका मतलब यही बचेगा। कृष्ण सर्वशक्तिमान नहीं होंगे, ये साबित हो जाएगा। लेकिन जो भी भगवान हैं वो सर्वशक्तिमान होने चाहिए, सारी शक्तियों के सामने होने चाहिए। जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते हैं, ये तीनों चीज का उसका पावर होना चाहिए। अगर ये आर्य समाज वाले इस लॉजिक को काट सकें तो उसको पोस्ट करते हैं YouTube में। हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं उनके लॉजिक का, कुछ ऐसा वो तर्क दें जिससे कि ये लॉजिक कटे। कोई दे ही नहीं सकोगे, ऐसा कोई लॉजिक तुम दे ही नहीं सकोगे। दिस इज माई चैलेंज टू ऑल आर्य समाजिज, यू कांट गेट ए लॉजिक टू कट दिस लॉजिक। ओके, कृष्ण सर्वशक्तिमान है तो विग्रह को आत्मरूप कर सकेंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा इसका प्रूफ, प्रूफ अब आपको हम देंगे, प्रूफ, प्रूफ चाहिए, प्रूफ, प्रूफ मिलेगा, मिलेगा प्रूफ। पहले जो नहीं मानते उनके लिए कुछ श्लोक कोट करते हैं, मजा आएगा थोड़ा। आर्य समाजियों के लिए एक श्लोक है भगवत गीता में, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धयः। आर्य समाजी वाले मूर्ख हैं, कृष्ण कह रहे हैं तुम सब पूरे जमात हो ही मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो कि अव्यक्त से व्यक्त आया, अव्यक्त से व्यक्त आया तुम कहते हो, इसलिए तुम हो मूर्ख।
तो जितने भी लोग आर्य समाज के से जुड़े हुए हैं, इस तत्व को छोड़ दें और होशियार बन जाए। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि निराकार से आकार आया, यह है मूर्ख, इज इक्वल टू एकदम कंफर्म मूर्ख। क्या पूछ रहे सवाल? हम लोग शुरू से तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, बस 2000 बरस से ही मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और नीचे क्या है, वेदों में तो मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, वैदिक काल में तो लोग मूर्ति पूजा नहीं होता था। चलिए, अच्छा सवाल है, वैदिक काल में मूर्ति पूजा होता था कि नहीं होता था? तो चलिए पीछे चलते हैं, सवाल है इसलिए जवाब सुनिए। हमने सवाल नहीं किया, आपने किया, जवाब आप सुन रहे हैं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा, शिल प्रभुपाद, चलिए वैदिक काल में, अभी आप चल रहे कलयुग, चलिए द्वापर युग में, युग में जाते हैं, धीरे धीरे पीछे जाएंगे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में हर जगह मंदिर ही मंदिर थे, पूरे द्वापर युग में मंदिरों की स्थापना थी और विग्रहों की पूजा हर जगह होती थी। अगर आप श्रीरंगम मंदिर चले जाएं, श्रीरंगम, श्रीरंगम का मंदिर जो है वहां पे रंगनाथ जी हैं, और रंगनाथ जी वहां कब आए? रंगनाथ जी वहां पे त्रेता युग में आए। त्रेता युग में रंगनाथ जी आए श्रीरंगम में, मतलब त्रेता युग में भी विग्रह पूजा हो रही थी ना। रामायण पढ़िए, रामायण में लिखा है कि कौशल्या क्या कर रही थी, जब राम को वनवास मिला तो राम आए कौशल्या के पास और कौशल्या लक्ष्मी नारायण के विग्रह को पूजा कर रही थी, यही रामायण में लिखा है। तो इसका मतलब एक त्रेता युग में भी डेटी वर्शिप हो रहा था, विग्रह की पूजा हो रही थी। और त्रेता युग कब है? आज से द्वापर युग सुन लीजिए, 8,64,000 साल का है। त्रेता युग जो है इससे और ज़्यादा, इसमें ये जुड़ जाएगा 12 नहीं, इसमें जुड़ जाएगा कलयुग का 4,00,000, कलयुग है 4,32,000, तो ये जुड़ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 4,26,63,9,12,96, ये हो गया आपका त्रेता युग, है ना? तो त्रेता युग में था। अब बोलिएगा सतयुग में था कि नहीं, है ना? बस सतयुग में सिद्ध कर दीजिए तो सब हो जाएगा सिद्ध। तो आपको जानकारी के लिए हम बताएं कि भगवान राम की जो कथा रामायण में जो लिखा हुआ है वो 28वें मनवंतर का नहीं है, वो 24वें मनवंतर का है। तो 24वें मनवंतर का स्टोरी है, 24वें मनु के समय का स्टोरी है रामायण। रामायण जो भगवान राम आए वो 24वें मनु के समय में आए, और हर एक मनु के समय में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग आके जाते हैं। तो इसका मतलब 24 पार हो गया, फिर ऐसा ही एक 25 पार हुआ, फिर 26 पार हुआ, फिर 27 हुआ, और अभी चल रहा है 28। तो 28वें त्रेता कलयुग में हम बैठे हैं, 28 के कलयुग में हम बैठे हैं, और 24 के त्रेता युग में राम आए थे। मतलब ये सब जगह, वो जो डेटी है रंगनाथ जी का, वो ये सब कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, सब जगह उनका पूजा हो रहा था, सारे युगों में पूजा हो रहा था। मतलब रामायण कितना पुराना है, सतयुग जोड़ लीजिए कितना है, सतयुग हो गया, इसमें और इतना जोड़ दीजिए तो सतयुग हो जाएगा 6, 2, 8, 9, 3, 12 और ये 4, 2, 6, 7, 17, है ना? अब चारों को जोड़ दीजिए, है ना, चारों को जोड़ दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 43। ये तो सिंपल है, इतने साल बनेंगे, इतने साल का एक दिव्ययुग बनेगा, एक मनु का समय बनेगा। तो इतना इंटू 25 का एक, 26 का एक, 27 का एक, इतना इंटू 4 करिएगा तो आपको रामायण का समय निकलेगा, ठीक है?
चर्चों के 16, करीब करीब 312 है ना, मतलब 17, हाँ मतलब 17 करोड़, एक मिनट, 43 लाख ना, तो 170 लाख, करीब करीब 2.25 करोड़ साल, 1.7 करोड़ ईयर्स, 2.25 करोड़ साल पहले भगवान राम लीला करके गए, ठीक है। तो कौन से वैदिक समय में विग्रह पूजा नहीं होता था, अब इसका प्रमाण दे दीजिए। हर चीज प्रमाण पे चलता है। भारतीयों की कमजोरी है कि भारतीय लोग अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ पढ़ के बैठे हुए हैं, मैं कह लूं कि एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए हैं, मैक्स मूलर के हिस्ट्री को पढ़े हैं, सब चौपट, इतिहास चौपट करके लिखा है। कल का मेरा प्रवचन जो होने वाला है, इतिहास में कौन कौन से राजा आए थे, कब कब आए थे, और इन अंग्रेजों ने कब कब हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी किया, इसका पूरा खोल के बताने वाले हैं। और जो लोग क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका भी हम आदर से कहेंगे कि वो लोग जरूर आए और अपने आइडिया को, अपने को नहीं, उनको हम नहीं मारने वाले, उनके आइडिया को खूब पीटने वाले हैं। कब जो उनके तत्व है, जो उनका किताब है, जो उनका ज्ञान है, उसको धो देंगे, धो के साफ कर देंगे और कभी नहीं निकलेगा ऐसा बना देंगे। याद रखिए, पहले भी विग्रह की पूजा हुआ करती थी, ठीक है। विग्रहों का आप आयु देखिए, कब से कब, कितने कितने पुराने विग्रह हैं। एक एक विग्रह का, जगन्नाथ जी के यहाँ जो मंदिर है, जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके किताब के अनुसार ही जगन्नाथ जी की जो स्थापना हुई थी वो इस कलयुग का नहीं है। जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, वो सतयुग के राजा थे इंद्रदुम्न, जिन्होंने मंदिर का स्थापना किया था। खत्म, मामला ओवर हो गया उधर ही। और आप भागवत पढ़िए, भागवत में आइए, अब ऐसा आप सवाल उठाए हैं, हम तो सवाल उठाए नहीं, आप उठाए। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुकिए, अभी आपने सवाल उठाया है तो आपके अनुसार से आंसर थोड़ी ख़त्म होगा, आंसर सबके लिए, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीज़ें अभी गड़ी चीज़ें बाकी हैं। ये है एक पहला, ये ब्रह्मा जी का दिन है, ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसमें 1000 दिव्य युग आते हैं, और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु आके जाते हैं, तो एक मनु के पास करीब करीब 71 दिव्य युग आता है, उतना का टाइम पीरियड एक मनु का होता है। तो पहले जो मनु थे, पहले मनु थे ब्रह्मा जी के स्वयंभू मनु पहले थे। स्वयंभू मनु का बेटा था उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे थे ध्रुव, और अभी चल रहा है सातवां मनु का समय। सातवां मनु का नाम है वैवस्वत, मनुज महाराज अभी वैवस्वत हैं और वैवस्वत मनु के समय में अभी हैं। मतलब एक मनु का जो समय है वो 43,20,000 साल इंटू 71 वर्ष, इतना एक मनु का समय है। तो ऐसे ऐसे 6 मनु पार हो गए इंटू 6, करिए कैलकुलेट कितना निकल रहा है, इतना साल अभी पार हो चुका है पहले मनु से लेके अभी तक। तो अब ये ध्रुव की जो कहानी आप सुन रहे हैं ये इतने लाख साल पहले की है। इतने लाख साल पहले भी ध्रुव जो थे वो नारद मुनि ने उनको कहा था कि आप विग्रह बनाओ, और विग्रह बना के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा विग्रह को जमुना जी के जल से पूजा करो। हाँ कितना निकला, 1840, लिख देते हैं 1840320, वाह बहुत अच्छा अंक निकला है वर्ष। अब आप कहेंगे गुरुजी इतने साल पहले तो जुरासिक पार्क का समय चल रहा था, डायनासोर था गुरुजी उस समय, ये सब थोड़ी था। अरे मूर्ख, ये सही है, मैंने कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज में बताया है, आप वो प्रवचन सुनिएगा, ये कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ है, सब बकवास है। जॉर्डन निगम जूलॉजी का सबसे फेमस बुक है ना,
जॉर्डन निगम अपने बुक के एवोल्यूशन चैप्टर को कंक्लूड करके लास्ट में लिखता है बोल्ड लेटर से, क्या लिखता है सो मैं लिखता हूं यहां पे, इवोल्यूशन इज ए ये जॉर्डन निगम लिखता है, ये किताब का राइटर लिख रहा है पूरा एवोल्यूशन चैप्टर के एंड होने के बाद। वो खुद बोल रहा है कि ये वॉक्स है, मजाक है भैया, पढ़ाने के लिए पढ़ा दे रहे हैं हम, लेकिन हुआ हुआ नहीं है, राइटर लिख रहा है जॉर्डन निगम जियोलॉजी के बहुत स्टैंडर्ड ऑथर हुआ करते हैं, वो ऐसा लिख रहे हैं कंक्लूडिंग वर्ड से एकदम बोल्ड करके लिखा है उन्होंने इस लाइन को, पूरे किताब में एक ही लाइन बोल्ड करके लिखी हुई है और वो ये है हरे कृष्णा, कुछ ना हुआ है, कोई बंदर से आदमी ना आया है, और बंदर से आदमी जो था डार्विन का बाप जरूर हुआ होगा, पहला जो बंदर से आदमी आया वो डार्विन था, ना उसके बाद हुआ ना उसके पहले हुआ, डार्विन के माँ बाप जो थे बंदर हो सकते हैं, बंदरिया हो सकते हैं, हमारे नहीं थे, हमारे सब इंसान थे, हमारे जो कुल है गोत्र है वो कश्यप ऋषि हैं उनके वंशज हैं, और कोई भारद्वाज ऋषि के वंश, ऋषियों के वंशज हैं हम, और हम ऋषि पुत्र हैं। तो ये जो है इतने लाख साल पहले विग्रह पूजा हो रही थी, अब आपको और क्या विग्रह पूजा का समय हम बताएं, इसके पहले भी ले जाएं, चलिए ले जाएं क्या, ब्रह्मा जी के क्रिएशन के समय से आपको लेके चलते हैं, सुनिए ये कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन भी कम पड़ेगा आप, चलिए अगला कैलकुलेशन सुनिए, आपने सवाल किया है आपके जवाब मिलेगा। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 43 × 1000 इतने वर्ष होते हैं एक दिन में, एक दिन एक एक दिन का कैलकुलेशन है, ब्रह्मा जी की आयु अभी 50 साल से ज़्यादा हो गई है, तो एक दिन और ऐसे ऐसे 365 दिन और वैसे वैसे 50 साल कैलकुलेट करने के बाद जो समय निकलेगा, उस समय ब्रह्मा जी जब पैदा हुए थे तो ब्रह्मा जी पैदा होने के बाद गर्भोदक साई विष्णु का पूजा किए थे, तप कैसे, तप करके 700 साल तक उन्होंने तप किया था, और आवाज़ उनको तब सुनाई पड़ा था, तो आवाज़ उनको सुनाई पड़ा, अगर कोई विग्रह ही नहीं था तो आवाज़ कहाँ से आया है ना, तब ब्रह्मा जी ने सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र अक्ष सहस्त्रपाद तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, तो इतने साल पहले, मतलब ये है 311 ट्रिलियन ब्रह्मा जी का आयु है, 40 बिलियन बटा दो, इतने साल पहले भी ब्रह्मा जी ने विग्रह का पूजा किया था, ठीक है, तो आर्य समाज जागें, शास्त्र पढ़ें, और शास्त्र पढ़ के विग्रहों को द्वेष न करें, विग्रहों से द्वेष करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको आखिरी एक प्यारा सा प्रूफ देता हूँ, प्यारा सा न्यारा सा स्वीट एट द एंड, आखिरी में एक मीठी सी रसगुल्ले के जैसी चीज़ देता हूँ, ठीक है, जब आप विग्रह की पूजा करते हैं तो क्या होता है सो देखिए, अगर आप श्री विग्रह की पूजा करेंगे तो आपका काम क्रोध लोभ मोह कम होता जाएगा, BI जो है भक्तिविदान इंस्टीट्यूट है उसके जो हेड हैं भक्ति सो दामोदर महाराज थे, और अभी जो जुहू में जो हेड हैं है ना तो जो हमारे हिजग्रेस रसराज प्रभु हैं, रसराज प्रभु कॉन्शसनेस स्टडीज़ में PhD करवाते हैं, और पूरे विश्व के एक जाने माने वैज्ञानिक हैं, और रसराज प्रभु के शब्दों में विग्रह की पूजा करने से जो काम क्रोध लोभ कम होता है, काम क्रोध लोभ जो कम हो रहे हैं, ये सब जो कम हो जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ सब घट जा रहा है, इसको आर्य समाज कैसे प्रूफ करेंगे हाँ? अगर आप दीवार को जाके बोलोगे मेरा काम क्रोध लोभ कम कर दो, पश्चिम की तरफ मुड़ के बोलोगे काम क्रोध लोभ कम कर दो,
मक्के की तरफ देख के बोलोगे काम क्रोध लोभ कम कर दो, लेकिन दिख तो नहीं रहा है कि आपका काम क्रोध लोभ कम हुआ है, क्रोध तो बढ़ गया है ना। कट्टरता में मुसलमान सबसे आगे, इसका मतलब दीवार की पूजा करके कुछ मिला नहीं है ना। लेकिन देखिए भारत के बीच में बांग्लादेश है, मुसलमान कंट्री है। कभी भी आपने सुना कि भारत ने बांग्लादेश का सीमा तोड़ दिया, उसके अंदर घुस गया? कभी सुना ही नहीं होगा। नेपाल छोटा सा कंट्री है, कभी सुना इंडिया ने नेपाल पे अटैक करके इंडिया ने नेपाल को ले लिया? कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि विग्रहों की पूजा करते हैं ना। नहीं, छोटा सा पाकिस्तान है, क्या कर रहा है देख ही रहे। क्रोध काम सब बगल में। इराक तो सदियों से परेशान है, अलेक्जेंडर के समय से परेशान है ये लोग है ना। और अभी आर्मेनिया धर्म के नाम पे चल रहा वार, और उसमें तुर्की एंट्री मार रहा है। जहां पे निराकार की पूजा करते हैं, काम क्रोध कहां से कम होगा। एक कंट्री का नाम बता दीजिए पूरे विश्व में जिसने कभी अपने लैंड को कभी भी क्रॉस नहीं किया, वो भारत है, और कोई देश नहीं। आप देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, वो लोगों ने भी अटैक किया दूसरे को, दूसरे का एरिया हटाया है। चाहे कम्युनिज्म का चाइना हो, उसने भी इंडिया का जमीन हड़पा है, उसने भी बगल वालों का जमीन हड़पा है, उसने तो तिब्बत ही हड़प लिया पूरा। लेकिन भारत ऐसा गौरवशाली राष्ट्र है कि भारत कभी किसी के लैंड को लेने नहीं गया। क्यों? विग्रहों की उपासना करते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया तो छोड़ेंगे भी नहीं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन ये भारत का गौरवशाली कल्चर है, जिस कल्चर का आधार आकार है, प्रभु का रूप है, जिस रूप को पूजा करने के बाद काम क्रोध लोभ कम हुआ है, और कोई रीजन नहीं है ना। तो बस ये प्यार वाला संदेश है, काम क्रोध लोभ को कम करना है तो श्री विग्रह की पूजा। द्वेष मत करिए, आप द्वेष कर रहे हैं इसलिए द्वेष से वो आपका जो पूजा नहीं हो रहा है। जब आप द्वेष हटा देंगे भगवान से, आपका सब चीज ठीक हो जाएगा। किसी ने सवाल किया है, द्वेष का मैं उदाहरण देता हूं है ना, मतलब इसको पर्सनली मत लीजिएगा, द्वेष का मैं उदाहरण दे रहा हूं बस। अभी मैंने ये बताया कि धरती घूम नहीं रही है, उसका कोई प्रूफ साइंटिस्ट नहीं दे रहे, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, तो लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, फिर इसरो वालों को आप जाके क्यों नहीं बता रहे हैं जाके? देखिए भाई, मेरा काम तो है नहीं, ठीक है, मेरा काम सत्य बताना था, अब इसरो को जाके बताना मेरा काम नहीं है। तो इसरो को भी पता चलना चाहिए कि धरती नहीं घूम रही है। सुनिए, इसरो को नहीं पता होगा ये तो मुझे एकदम डाउट ही है, मतलब मुझे पूरा कन्फर्म है, मतलब मेरे को, मैं पूरा गेस से, अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इसरो को पूरा पता है कि धरती नहीं घूम रही, ठीक है, पूरा पता है। आईएसई बैंगलोर को भी पूरा पता है धरती घूम नहीं रही, उनके टॉप लोगों को तो जरूर समझ रहा है चीज़। लेकिन अब क्या है, नाक थोड़ी कटा सकते हैं थ्योरी उलट करने का, वो हिम्मत कौन करेगा आगे आके बोलने का? सैलरी मिल रही है, तनख्वाह चालू है, और जो सैलरी दे रहे हैं, जो फंड कर रहे हैं ऊपर वाले, उनको वो थ्योरी चिपका के बैठाना है। द्वेष कर रहे हैं भगवान से, द्वेष कर रहे हैं, और ये द्वेषी आर्य समाजी भी हैं। जैसे वो साइंटिस्ट देशी हैं, वैसे आर्य समाजी देशी हैं। शास्त्र नहीं मानेंगे, शास्त्र की चीज़ों को नहीं मानेंगे, और रूप को नहीं मानेंगे, फूल द्वेष से भरा हुआ है ऊपर से। द्वेष छोड़ दीजिए भगवान से, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका प्रूफ आपको मिल रहा है, फिर आप द्वेष क्यों कर रहे हैं? उड़पी चले जाइए, उड़पी जाके देखिए भगवान का जो मंदिर है, आज से 1000 साल पहले प्रभु जो थे, पूरब सारे मंदिर जो है दक्षिण भारत में, तो इतने स्थापत्य कला वास्तुकला के इतने स्ट्रांग लोग हैं, भगवान हर जगह पूरब मुखी हैं। लेकिन उड़पी के भगवान पूरब नहीं, पश्चिम मुखी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब पूरब मुखी थे तो एक व्यक्ति को उन्होंने दर्शन से अलाउ नहीं किया था, और पीछे एक खिड़की है, भगवान मुड़ गए, और वो जहाँ खिड़की के पास वो रो रहा था ना पीछे बाहर जाके, भगवान उसकी तरफ मुड़ के उसको देख रहे थे। और आज भी ठाकुर जी पश्चिम मुखी हैं, और ये बहुत पुराना कहानी नहीं है, आप जाके देख लीजिए आश्चर्य। तो अगर वो विग्रह भगवान साक्षात कृष्ण नहीं होते तो पीछे कैसे मुड़ जाते? द्वेष मत करिए, आ जाइए, कम ऑन, सिंहाचलम चले जाइए। विशाखापट्टनम के पास 15 किलोमीटर दूर सिंहाचलम की पहाड़ियां हैं। सिंहाचलम में नरसिंहदेव हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम। जय नरसिम्हा, श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा, प्रहलादेशु जय पद्म मुख पद्म भृंगा। उनको जब आप एक लोटा लेके जाइए, गुड़ का पानी पाना बना के पिलाइएगा, आधा लोटा पीने के बाद वो
ग्रूम ग्रुप ऐसी आवाज़ देते हैं, एकदम मुख में डायरेक्ट डालना हूँ। ठीक है, अब आप एक बड़ा एक कलश लेके जाइए, गगरा लेके जाइए, और गगरे में आप पाना लेके उनको पिलाइए। आधा गगरा पीने के बाद वो ग्रुप आवाज़ निकालेंगे, वो बचा हुआ आधा प्रसाद हो जाए। अब आप एक काम करिए, बड़ा एकदम बड़ा ड्रम लेके जाइए और उठा के पिलाते रहिए, आधा ड्रम पीने तक वो आवाज़ नहीं निकलेगा। जैसे आधा ग्रुप आवाज़ निकला, भगवान का हो गया, भगवान अब आप लेके जा सकते। आँख खोलो आर्य समाजियों, आँख खोलो, जाके देखो, जाके देखो क्या चमत्कार हो रहा है, आँखों के सामने हो रहा है। और तुमको अगर साइंस पे बहुत भरोसा है तो पहले तो साइंस ये अपनी गलती को छिपा रहा है कि बंदर से आदमी नहीं आया। पहले तो साइंस ये गलती छिपा रहा है कि कोई चांद पे गया, कहते चांद पे कोई गया नहीं, हमने चैलेंज किया है। वैदिक कॉस्मोलॉजी सुन लीजिएगा और कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सुन लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं हुआ, सब बंडलबाजी है। और जिनको ये लग रहा है, मेरे पीछे वाले सीरीज अगर नहीं सुनेंगे तो ही लग रहा होगा, अगर जिन्होंने ये 150 लेक्चर्स मेरे सारे सुने हैं वो समझ जाएंगे कि मैं कितना तथ्य से कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं फिर से वो सारा लेक्चर आपको यहाँ दोहराऊंगा एक लेक्चर के अंदर, लेकिन ये कंक्लूजन में बंडलबाजी चल रहा है साइंस के अंदर, ठगी है, मास चीटिंग चल रहा है साइंस के नाम पे। जो साइंस है यहाँ हम बता रहे हैं वो साइंस है, रियल साइंस अभी जो जिंदा है वो आपके कैमरे के सामने चल रहा है, बाकी सब बकवास है ना। तो ये है विग्रह के पूजा का प्रूफ है ना, कि जब विग्रह किसी चीज को बोलते हैं उस चीज को आप देख सकते होते हैं। और ऐसे ऐसे कितने प्रूफ आपको भी पता होंगे है ना, ठाकुर जी के पास जाके किसी ने कुछ चढ़ाया और ठाकुर जी का जो है, साक्षी गोपाल को जाके देख लीजिए, साक्षी गोपाल पहले वृंदावन में थे, वहां से विजयनगर गए, वहां से एक साक्षी देने के लिए उड़ीसा आए और आज वहां पे हैं विग्रह। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है, साक्षात वही व्यक्ति हैं। ये उसमें शक्ति है, उस भगवान में ऐसी शक्ति है कि किसी प्रतिमा में अपने आप को प्रकट कर सकता है, प्रकट हो गया प्रतिमा रूप में। अब आप कहेंगे कि फिर प्रतिमा है तो कलयुग में इतना सारा गड़बड़ चल रहा है, काहे नहीं प्रतिमा के सबको मार रहा है? इसलिए कि वो प्रतिमा रूप उन्होंने लिया है करुणा रूप से, सेवा स्वीकार करने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए नहीं, शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने काल रूप लिया है। कालो अस्मी मृत्यु छायाकृत प्रवृत्त हो, सबको मारने के लिए मैं काल रूप से ऑलरेडी आ चुका हूँ। समय की चक्की जब चलती है तो धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब पीसती है तो सबको पीस डालती है, एक दाना भी नहीं छोड़ती, एक दाना बच के नहीं निकलता, ये समय की चक्की का पावर है ना। तो ये है विग्रह। अगर फिर भी कोई सवाल रहा तो आप नोट कर दीजिएगा, किसी समय जब समय फिर विग्रह का आएगा किसी दिन तो निकलेगा। मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा कथा जो है बीच में छूट गया है, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया है, इसलिए हमें और 5 मिनट का समय चाहिए। तो सारे जो शिव और पार्वती सब लोग वहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे पुष्प वृष्टि की है, और पुष्प वृष्टि करके भगवान की लीला का ध्यान कर रहे हैं, और भगवान अपने आत्मा में अपनी ही ध्यान में बैठ गए हैं। और अपने ध्यान में बैठने के बाद, क्योंकि वो अपना ही ध्यान करेंगे और किस पे ध्यान करेंगे, अपना ध्यान करने के बाद जो है, जैसे वहाँ सबके सामने सशरीर लेके आत्मा पे ध्यान करके वहाँ से तुरंत उड़ गए, और उड़ के तुरंत जो है वहाँ से निकल गए, केवल ब्रह्मा को और ब्रह्मा से नीचे के देवताओं को कुछ दिखाई नहीं, एक बिजली जैसी बस एक लाइन खींची हुई दिखी, सफ़ेद लकीर जाते हुए दिखी, बस एक लकीर, और बाकी लोगों को तो वो भी नहीं दिखा, वो लकीर भी नहीं दिखा बाकी लोगों को है ना। और जब वो कुछ भी किसी को नहीं दिखा, कैसे, जैसे बिजली जब चमकती है ना, तो बिजली के चमक को एक सामान्य आँख से अगर आप देखेंगे ना, वो किधर से किधर गया बड़ा कठिन है समझना, वो इतने स्पीड से निकलता है बिजली का जो लाइटिंग है, वो आपके 1/16 सेकेंड जो फ्रेम जो है आपका आई का, उससे फास्ट निकलता है। तो बिजली किधर से किधर गई, उधर से इधर आई, किधर से इधर आई, कहाँ से किधर निकली, एक बार बादल से बिजली निकली ये असरटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है किधर से किधर गई। वैसे भगवान जो निकले ये समझ में नहीं, लाइन दिखा, ये भी लाइन नहीं कि लाइन नीचे से ऊपर जाती हुई लाइन दिख रही, ऐसा भी नहीं, जैसे बिजली चमकती है लाइट होता है गायब हो जाता है, इस टाइप से भगवान इस स्पीड से निकल गए और बस अपने धाम सा शरीर लेके चले गए। और जब भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, उनके साथ धर्म चला गया, सुंदरता चली गई, कलयुग के लोग सुंदर नहीं निकलते हैं है ना, द्वापर में बहुत सुंदर हुआ करते थे लोग, लोगों के दिमाग का पावर ग्रैप्स कम हो गया, सब कुछ कलयुग में धीरे धीरे समय के साथ कम होना चालू हो गया। और जब भगवान निकल गए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो जो प्रभु थे जब वो थे
तो धर्म धैर्य कीर्ति श्री सब यहीं पे बैठी हुई थी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वयत्र हि दैत दृश्यता। सारे जब भगवान जहाँ पैदा हो जाते हैं वहाँ सब कुछ ऑस्पिशियस रहता है, है ना। और इसके बाद कह रहे हैं वो जैसे एक नट होता है ना, जब ड्रामा करता है तो बहुत कुछ एक्टिंग करता है, जाने के बाद सब कपड़ा उतार के नॉर्मल हो जाता है। वैसे कृष्ण आते हैं संसार में, बस इस संसार से आसक्त नहीं होते, नट के जैसे। कृष्ण एक नट के जैसे होते हैं और आसक्त नहीं होते किसी चीज़ से, एक ड्रेस से आसक्त नहीं होते। उनको पता है कि और एक्टिंग करना है, इसलिए उस एक्टिंग में ही बैठते रहते हैं। जब भगवान थे, जब भगवान यहाँ पे थे तो उन्होंने अपने गुरु पुत्रों को यमपुरी से मरे हुए पुत्रों को जिंदा ला के दिया था। जब भगवान यहाँ थे तो शिव जी जो महाकाल हैं उज्जैन में उनको युद्ध करके हरा के दिखाया था। जब भगवान यहाँ थे परीक्षित जो गर्भ में जल गए थे, जले हुए परीक्षित को वापस जिंदा कर दिया था उन्होंने, ब्रह्मास्त्र जले हुए परीक्षित को। और जब भगवान यहाँ थे तो जरा जो उनके पैर को तीर लगा के जो उनको मारा था, कृपा करके उसको शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिए। सोचिए चार चीज़ों को जरा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ है ना, परीक्षित को उन्होंने जले हुए परीक्षित को बचा लिया, फिर से जिंदा कर दिया। दूसरा महाकाल के साथ युद्ध किया और जीत गए। तीसरा है यमपुरी से मरे हुए बच्चों को लौटा लिया, बच्चे लौटा लिया। और चौथा है जरा को उन्होंने सशरीर स्वर्ग भेज दिया, शरीर के साथ पैर में मारने के बाद ही। जो व्यक्ति ये सब काम कर सकता है वो खुद जिंदा नहीं रह सकता, खुद भी जिंदा रह सकता था लेकिन उनको जिंदा रहना नहीं था। उनको दिखाना था कि संसार में गति क्या है, सबको जाना है वहाँ, सबको वहाँ जाना चाहिए। जो आत्मज्ञानी लोग हैं सब भगवान के धाम वैकुंठ धाम में जाते हैं। यही भगवान कह रहे थे कि निकल चलो, वापस चलो और वापस भगवत धाम लौट चलो, यही संदेश देने भगवान आए थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान के जाने के बाद दारू किधर आया है, वसुदेव देवकी को और रोहिणी को जब पता चला कि सब लोग मारे जा चुके हैं, ऐसे ही बेहोश हो गए, उनको उठा के उनको जब वहाँ लेके जाया गया दिखाने के लिए, वहाँ कृष्ण गायब हैं, बलराम जी वहाँ हैं नहीं, बलराम जी भी आत्मशरीर में वहाँ सशरीर चले गए, और जहाँ बाकी सब लोग वहाँ पे सबका शव पड़ा हुआ है तो सब लोग अपना अपना पहचानने लगे। जब कृष्ण और बलराम को नहीं देखे तो देवकी वसुदेव और रोहिणी वहीं शरीर त्याग कर दिए, सबका प्राणों का अंत हो गया। और जो जो रानियाँ अपने अपने पतियों को पहचान पाई, मतलब कृष्ण के बेटों की रानियाँ, पोतों की रानियाँ, उनके साथ चिता में स्व इच्छा से चली गई, कोई फोर्स के साथ नहीं। और जो कृष्ण के रानियाँ उन्होंने देखा, रुक्मिणी जी ने देखा कृष्ण नहीं रहे, उन्होंने चिता लगाया और कृष्ण को ध्यान करते हुए चिता में जाके बैठ गई और अग्नि में प्रवेश कर गई। और जो कुछ बच्चे बूढ़े इत्यादि और जो कुछ थोड़े मोड़े लोग बच गए, और जिनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं था, अर्जुन ने उनका पिंडदान किया। और उसके बाद अर्जुन बचे खुचे लोगों को लेके इंद्रप्रस्थ आए, दिल्ली आए। और इंद्रप्रस्थ में कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्र, मतलब कृष्ण का पर पोता जो वज्र था, वज्र को उन्होंने मथुरा का राजा नियुक्त किया। वज्र ये कृष्ण का पर पोता है, पोते का बेटा, पोता है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्र, ये मथुरा का राजा घोषित हुआ। और इस तरह से कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समाप्त की। यहाँ पे जो भी इस कथा को सुबह उठ के सुनेगा, भगवान के वैकुंठ जाने की कथा को सुनेगा, वही सर्वश्रेष्ठ पद पाएगा जो कृष्ण ने खुद के लिए रखा हुआ है, जो गोलोक वृंदावन है। जो भी इस कथा को सुनेगा, द्वारका को ध्यान करेगा, वो जो है सर्व पापों से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में शुद्ध भक्ति का वरदान प्राप्त करेगा। और इसके बाद जब सब चले गए तो उसी क्षण द्वारका नगरी समुद्र में डुबा दी गई समुद्र के द्वारा, और वो नगरी जो है पानी के अंदर प्रलयहीन हो गया।
हरे कृष्णा। इस तरह से एकादश स्कंद हमने समाप्त किया, उसको पूर्ण किया, सेवा पूर्ण की। कल हम 12वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। इस लिस्ट को तोड़ा है, उस लिस्ट को हम देखेंगे, है ना। और इसके साथ आज की जो प्रवचन श्रृंखला है, हरे कृष्णा।